हेलो एवरीवन माय नेम इज़ नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकेडमिया तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए तो हमारा जो क्लास इलेवन जिसका चैप्टर नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ चल रहा है और इसका जो है थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव और जस्ट किन चीजों से बनता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव और जस्ट बनाती है तो उससे पहले हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं मोड ऑफ प्रोमोगेशन से लेकर हमने कंपोजिशन तक पढ़ लिया है आज पढ़ेंगे हम द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन यहाँ पर डेलिब्रेशन का मतलब पहले समझेंगे फिर देखेंगे कि ये डेलिब्रेशन का जो जो प्रिंसिपल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में किस तरीके से हेल्प की और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी वजह से किस तरीके से इफेक्टिव और जस्ट बन पाया ठीक है तो अगर हम द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन की बात करें तो डेलिब्रेशन का मतलब यहां पर यह होता है कि किसी चीज पर किसी सब्जेक्ट पर या फिर किसी पर थॉटफुल कंसिडरेशन यानी कि उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही केयरफुल तरीके से उस पर कंसिडर करना उस पर आ, आ, जो है विचार करना ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं डेलिब्रेशन तो द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किस तरीके से काम आया ठीक है सो द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जो है अलग अलग रिलीजन के लोग थे ठीक है अलग अलग रीजन के लोग थे अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे वो लोग भी थे ठीक है अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थी और डाइवर्सिटी होने के साथ साथ एक तरीके से कहा जाए कि पूरे के पूरे जो इंडिया है उसको रिप्रेजेंट करती थी लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही काफी नहीं होता किसी कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ठीक है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी बात है कि भाई पूरे के पूरे इंडिया की आवाज हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है लेकिन जो प्रोसीजर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किए हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो प्रोसीजर हैं जो उसमें प्रोविजन डाले गए हैं राइट टू इक्वेलिटी डाला गया है राइट टू फ्रीडम डाला गया है फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज डी पी एस पी ये सारी चीजें जितने भी प्रोविजन डाले डाले हुए हैं तो ये प्रोविजन क्या किसी के माइंड में आया और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिया गया है? क्या ऐसा हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी जो थाट आता था कोई भी आइडिया आता था ठीक है अगर प्रोविजन से रिलेटेड तो उसमें क्या था? Deliberation होता था डेलीबरेशन होता था फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो इनके एक एक प्रोविजन पर बहुत ही अच्छी तरीके से थॉटफुल कंसिडरेशन हुआ डिस्कशन हुआ सारे मेंबर्स जितने थे जब उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया तो इस प्रिंसिपल का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ठीक है सो इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स हमारा जो प्रोसीजर अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज मेंबर ब्रोट टू देयर डेलिब्रेशन ठीक है तो अगर हम बात करें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव थी पूरे इंडिया को लेकर उसमें अलग अलग डाइवर्स सेक्शन जो सोसाइटी के लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे ठीक है और इसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो है ही लेकिन वो जो अपनी आइडेंटिटी है अपनी जो कम्युनिटी है उसको भी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जो कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उसको भी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो जब अपनी कम्युनिटी के जो इश्यूज होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन किया जाएगा तो उससे क्या होगा उससे होगा कि जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो उस चीज पर डिस्कस करेंगे और उस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालेंगे अगर वो वैलिड पॉइंट हुआ अगर सब उसके साथ जाना चाहते हैं ठीक है तो ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टू टोटल मेंबर्स थे तो जितने भी मेंबर्स थे उस टाइम पर प्रेजेंट तो सभी मेंबर्स ने क्या किया डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थॉटफुल डिस्कशन किया विद द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन इन माइंड अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के जो वहां पर लोग मौजूद थे तो उन सब का अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी होता था कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है वो इस इशू से जूझ रही है उनका ये इश्यू सॉल्व होना चाहिए कोई दूसरा ग्रुप है उनका एक अपना अलग इशू है वो अपने जो है सोशल एक तरीके से कह सकते हैं सोशल इनक्वेलिटी हो सकती है उनके ग्रुप के जो मेन है मेन जो इशू है वो हो सकती है सोशल इनक्वैलिटी तो वो अपनी सोशल इनक्वैलिटी को खत्म करने के लिए वहां पर आए हैं ठीक है तो इस तरीके से तो अपने उनके पर्सनल जो इंटरेस्ट होंगे वो तो होंगे लेकिन ये जो जितने भी मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनके माइंड में जो है ज्यादा प्रेफरेंस पे पूरा नेशन होता था यानी कि इंडिया होता था इंडिया इनके माइंड में होता था कि भाई इंडिया को देखते हुए हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपना पर्सनल मोटिव इसके अंदर नहीं आना चाहिए इसी वजह से जब बहुत सारे पर्सनल जो अपने इंटरेस्ट होते थे लोगों के इस वजह से वहां पर दो ग्रुप में डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते थे ठीक है क्योंकि कोई ग्रुप कुछ चाहता है और कोई ग्रुप कुछ चाहता है अपने मेंबर्स uh, को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वहां पर डिसएग्रीमेंट देखने को भी मिलते थे तो यहीं पे यह, यहां पर यही बताया कि देर वर ओपन डिसएग्रीमेंट्स अमंगस्ट मेंबर्स डिसग्रीमेंट्स भी होते थे जो मेंबर्स के बीच में बट फ्यू ऑफ दीज डिसमेंट्स कुड बी ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट लेकिन जो उन इस इन डिसग्रीमेंट्स में से कुछ डिस एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते थे थोड़े बहुत जो कि के पर्सनल ओन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते थे लेकिन जो डिसएग्रीमेंट होते थे वो होने बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि नेशन को दिमाग में रखते हुए देखते थे वो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, यह है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जितने भी मेंबर्स है वन बाय वन वो खड़े होकर किसी भी इशू पर डिस्कस करते थे और जो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन है थॉटफुल कंसिडरेशन है वो काफी अच्छे तरीके से देखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो यहां पर जो है लेजिटिमेट डिफरेंस जो थे वो देखेंगे हम उनके जो पर्सनल डिफरेंस है वो नहीं देखेंगे तो वो क्या क्या हो सकता है कि शुड इंडिया अडोप्ट अन्ट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चुनना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चुनना चाहिए ठीक है तो एक यहां पर डिफरेंस हो सकता था डिसएग्रीमेंट हो सकता था और ये वैलिड डिसएग्रीमेंट भी है क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है और इस बड़े क्वेश्चन का वहां पर जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर जो सेंटर है और स्टेट है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए तो कुछ ग्रुप कुछ बोलेगा और कुछ ग्रुप कुछ बोलेंगे ठीक है तो उसके तो उनके बीच में क्या होगा डिफ्रेंसिस होंगे डिसएग्रीमेंट हो तो इन चीजों को जो भी उनका पॉइंट होगा वो खड़े होकर सबके सामने अपने जो वैलिड रीजन है वैलिड पॉइंट्स है उन चीजों पर अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई शुड बी द पावर ऑफ द जुडिशरी अब यहां पर भी कुछ ग्रुप के जो थॉट होंगे जो आइडियाज होंगे वो कुछ अलग होंगे और दूसरे ग्रुप के आइडियाज और वो अलग होंगे तो यहां पर भी डिसएग्रीमेंट्स आएंगे अब इन डिसएग्रीमेंट्स को जो है डेलीबरेशन के साथ इसको सोल्व किया जा सकता है थॉटफुल कंसिडरेशन के साथ इसको सोल्व किया जा सकता है शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स और इस तरीके के जो लेजिटिमेट डिफ्रेंसेस यहां पर आ, जो आएंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो इनको जो है सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सो so, अगर हम बात करें फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट अब क्योंकि एक मॉडर्न स्टेट की यहां पर फाउंडेशन बनाई जा रही थी इंडिया जो कि मॉडर्न स्टेट कहा जाएगा ठीक है सो ऑलमोस्ट एवरी इशू यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी है तो चार ही क्वेश्चन है यहां पर और भी जितने भी क्वेश्चन यहां पर उठे होंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होंगे उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे ठीक है लैंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन उठे हैं ऑलमोस्ट एवरी इशू यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट वॉज डिस्कस्ड एट ग्रेट सोफिस्टिकेशन मतलब कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हर इशू को यहाँ पर डिस्कस किया गया है बहुत ही केयरफुल मैनर में लेकिन एक प्रोविजन ऐसा था बच्चों जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ अब आप कहेंगे कि ये कौन सा प्रोविजन है जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट एनी डिबेट यानी कि इस प्रोविजन पर कोई भी डिबेट नहीं हुई और ऑलमोस्ट सभी जितने भी प्रोविजन थे उन सब पर क्या हुई है उन सब पर डिबेट हुई है केयरफुल कंसिडरेशन हुआ है केयरफुली वहां पर डिस्कशन हुआ है तो कौन सा वो ऐसा प्रोविजन था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज अब यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है कि भाई इस पर डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि ओल्ड सिटीजन्स रीचिंग अ सर्टेन एज यहां पर एक एज रख दी गई ट्वेंटी वन रख लो या फिर एटीन ईयर्स रख लो तो यहां पर एक एज रखी जाती है इसके अंदर तो उसमें क्या होता है कि भाई जो जिन भी लोगों की इस एज उन्होंने अचीव कर ली कोई भी लोग है वो 21 साल का हो गया या उससे बड़ा हो गया या फिर कोई भी अगर 18 रखी है उनकी एज अगर कोई भी इंसान 18 है या उससे बड़ा हो गया तो वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे किसी भी कास्ट से बिलोंग करे किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करे पढ़ा लिखा हो या ना हो किसी भी जेंडर से बिलोंग करे फीमेल हो या मेल हो ठीक है या उसकी इनकम कितनी हो वो चाहे एक लाख कमाता हो चाहे बीस हजार कमाता हो चाहे सौ रुपए कमाता हो ठीक है तो उसको जो है वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा ठीक है उसको पास क्या होगी वोटिंग राइट होगी तो हमारे जो जो मेकर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने इस चीज पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया कि भाई नहीं कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं वो ही वोट दे सकते हैं या फिर एजुकेशन इतनी होनी चाहिए या फिर किसी की इनकम जो है एक लाख से ऊपर होनी चाहिए मंथली ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ सबने ये माना कि भाई एक सर्टेन एज के ऊपर जितने भी लोग होंगे एक सर्टेन एज के ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा तो ये जो प्रोविजन डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस पर बिल्कुल भी डिबेट नहीं है ये काफी अच्छा उनका स्टेप था ठीक है और इसको अगर छोड़ दे तो इसके अलावा जितने भी प्रोविजन डाले गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस पे यहाँ पर सीरियसली यहां पर सीरियसली लिखा हुआ है सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड यानी कि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो छूट गया हो बिना डिस्कशन के नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टमेंट ठीक है नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टमेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली अब कोई भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस पर मतलब इसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता कि भाई इसका जो जो मैथड्स थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे बिल्कुल डेमोक्रेटिक कमिटमेंट के ऊपर बिल्कुल वो खरे उतरे हैं क्योंकि उन्होंने हर एक प्रोविजन पर जो डिस्कशन किया है और हमारा इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन हमको बनाकर दिया है अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंगेज इन वन माइट कॉल पब्लिक अथॉरिटी अब यहां पर सॉरी पब्लिक रीजन अब यहां पर एक टर्म आई है पब्लिक रीजन अब यहां पर पब्लिक रीजन को पहले यहां पर समझना होगा कि भाई कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है और वो चाहता है कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए कुछ लोगों को लेकर ठीक है रिजर्वेशन होना चाहिए एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड को लेकर रिजर्वेशन होना चाहिए कुछ ग्रुप ये चाहते हैं तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे वो पब्लिक रीजन देंगे अगर उनको ये वाला प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना है तो वो पब्लिक रीजन देंगे पब्लिक रीजन का मतलब ये होता है कि वो जितने भी मेंबर्स होंगे उनके सामने एक डिस्कशन करेंगे एक रीजेंड आर्ग्यूमेंट देंगे यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक रीजेंड आर्ग्यूमेंट देंगे कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ये इन इन कारणों से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आना चाहिए अगर वो ये रीजन आर्ग्यूमेंट नहीं देते अच्छे तरीके से डिस्कशन नहीं करते तो वो पब्लिक रीज़न की जो मांग है वो फुलफिल नहीं करेंगे तो वो एक एक मेंबर को अपने साथ को अपने साथ लाने के लिए इस प्रोविजन के ऊपर वो क्या करेंगे रीजन आर्ग्यूमेंट देंगे डिस्कशन करेंगे तो इस इस कारण जो है हर एक इंसान को जो है पब्लिक रीज़न वहां पर देना था कहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर द मेम्बर्स ऑफ द असेंबली प्लेसड अ ग्रेटर एम्फोसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजन आर्ग्यूमेंट जब रीजन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन होगा तो पब्लिक रीजन और जो पब्लिक रीजन है वो अपने आप ही आ जाएगा दे डिड नॉट सिम्पली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट और अब ऐसा नहीं है कि वह अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर कोई भी प्रोविजन ला रहे हैं कि भाई ये वाला प्रोविजन होना चाहिए ठीक है ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर उनके कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं थे अगर उनके पर्सनल मोटिव भी होते तो उनको एक प्रिंसिपल रीजन देना होता कि भाई ये प्रोविज़न आप क्यों चाहते हो और अगर जो वहाँ के जो मेम्बर्स हैं उसको मानते नहीं तो वो वैसे ही नल एंड एनव हो जाता और अगर उनका अपना इंटरेस्ट होता वो तो बहुत ही जल्दी लोग दूसरे जो मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है वो समझ जाते और वो जो है उसको अप, उस प्रोविज़न को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता लेकिन अगर जो नेशन को देखते हुए नेशन को देखते हुए कुछ इश्यूज है समाज के अंदर उसको उठाया जा रहा है नेशन को माइंड में रखते हुए तो हो सकता है कि वो जो लो, जो लोग हैं जो मेंबर्स है उनके दिमाग में वो इशू ना हो तो वो भी हाँ समझ सकते हैं कि भाई ये वाला इशू जो है इंपॉर्टेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए ठीक है सो द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन जब रीजन दिया जाता है टू मेक टू अदर्स दूसरे लोगों को मेक्स योर मूव अवे फ्रॉम सिंपली अ नैरो कंसिडरेशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट बिकॉज यू हैव टू गिव रीजन टू अदर टू मेक दैम गो अलोंग विद योर पॉइंट ऑफ व्यू तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको आ, नेशन को दिमाग में रखते हुए कुछ रीजन दोगे कुछ आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो जो है आपकी एक ब्रॉड कंसिडरेशन को दिखाता है और सारे के सारे जितने भी मेम्बर्स होंगे उस चीज़ को अडोप्ट करेंगे अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि इतनी जो डिबेट हुई थी यहाँ पर वॉल्यूमिनस डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेअर ईच क्लोज यानी कि कोई भी ऐसा क्लोज नहीं बचा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उस पर अच्छी तरीके से डिस्कशन नहीं किया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट डिबेट की गई स्क्रिटिनी की गई उस क्लोज की इज अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट तो पब्लिक रीजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशन थी डिबेट्स थी अब यहां पर यह बताया गया कि दीज डिबेट्स डिजर्वड टू बी मेमोरलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हिस्ट्री देखें ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर देखें तो इसको क्या बताया गया है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैप्टर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हिस्ट्री को लेकर क्योंकि ये, ये जो डिबेट्स थी ये इतनी शानदार डिबेट्स थी कि इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इन डिबेट्स को कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसके इक्वल लाकर खड़ा कर दिया गया है और जो अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ था तो उसके सामने मतलब उस उसी के इक्वल इन डिबेट्स को माना गया कि भाई ये जो डिबेट्स हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए जो डिबेट्स की गई थी ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आएगी प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन जो है क्यों जरूरी है ठीक है तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जब क्लोज को केयरफुली देखा जाएगा उसके एक एक क्लोज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डेलीबरेशन को वहाँ पर लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अच्छा ही बनेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर बींग हेयर हैव अ गुड डे हेड बाय बाय